दोस्तों स्वागत है आप सबका इनकम टैक्स के कौन है वीडियो में। इनकम फ्रॉम सैलरीज में अभी तक हम लोग अलाउंसेस पूरा कवर कर चुके हैं, साथ में लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने टैक्स फ्री परक्यूजिट्स भी कवर कर लिए। परक्यूजिट्स की अगर हम बात करें तो परक्यूजिट ने पार्ट वन जो इसका था, पार्ट वन में मैंने आपको एक लिस्ट दी थी पूरी जो टैक्स फ्री परक्यूजिट्स की होती है, ठीक है। इसके बाद पार्ट टू में मैंने आपसे टैक्स फ्री परक्यूजिट के अंदर ही मेडिकल बेनिफिट्स डिस्कस किए थे जो कि सर्टेन लिमिट तक एग्जेम्प्ट होते, मतलब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो एग्जेम्प्ट होते हैं, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाते हैं। और इसके बाद पार्ट थ्री जो था, पार्ट थ्री में मैंने आपसे LTC जो कि एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 इसके बारे में मैंने आपसे बात कर ली। तो पार्ट 1, 2, 3 और अलाउंसेस के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर के पिछले वीडियो देख सकते हैं। सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे सारे वीडियोज़ को तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। सबकी नंबरिंग मैंने कर रखी है वहाँ पे, ठीक है, #1, 1, 2, 3, 4 करके सबका वहाँ पे नंबरिंग है। तो आप जाकर के पिछले वीडियोज़ अगर देखने हो तो लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, आप देख सकते हैं। बात करें इस वीडियो की तो इसमें देखिए हम लोग, ये पार्ट टू होगा परक्यूजिट्स का और इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सेबल परक्यूजिट्स, ठीक है। टैक्सेबल परक्यूजिट्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। अब देखें ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, बिफोर रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। बिफोर रिटायरमेंट में हमने अभी तक अलाउंसेस पूरा कंप्लीट कर लिया, जिसमें फुली टैक्सेबल अलाउंस, फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, ये पार्शियली एग्जेम्प्टेड अलाउंस और इसमें HRA अदर अलाउंसेस ये सब डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ में परक्यूजिट्स के अंडर में टैक्स फ्री परक्यूजिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टैक्सेबल परक्यूजिट की देखिए जब बात आती है यहाँ पर, जब भी परक्यूजिट टैक्सेबल होंगे, क्योंकि नॉर्मली जो परक्यूजिट्स होते हैं वो किसमें होते हैं, काइंड में होते हैं, ठीक है, फैसिलिटी होती है एक तरीके की। तो फैसिलिटी जब होती है तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको वहाँ पर वैल्यूएशन करनी होती है उन परक्यूजिट्स की। कोई भी फैसिलिटी आपको मिली, जैसे मान लीजिए आपको रेंट फ्री हाउस दे दिया, एक तो देखिए HRA था हाउस रेंट अलाउंस, तो हाउस रेंट अलाउंस में क्या होता था कि जो एम्प्लॉयर है वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी आपको दे देता था, उसमें से आप अपना रेंट का खर्चा निकाल लेते थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी अलाउंस या कैश में पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर एम्प्लॉयर का मान लीजिए खुद का घर है या फिर एम्प्लॉयर ने किसी से लीज पे ले करके दिया, किसी से हायर करके आपको दे दिया और अब आप उसमें रेंट फ्री रह रहे, मतलब आपको उस घर में रेंट नहीं देना है और एम्प्लॉयर ने आपको वो घर दे दिया, तो ये होता है रेंट फ्री हाउस। मान लीजिए उसने मोटर कार की फैसिलिटी आपको दे दी कि अब आपको एक कार दे दी गई है, आप उसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करिए चाहे आप उसको ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। टैक्सेबिलिटी अलग अलग हो जाएगी, वो अभी हम लोग बात करेंगे जब मोटर कार की वीडियो में देखेंगे। तो अभी देखिए हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, मतलब जब एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को घर दे देता है, अब वो घर खुद का भी हो सकता है एम्प्लॉयर का या फिर वो उसको हायर करके भी दे सकता है, तो उस केस में उसकी वैल्यूएशन हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू हमारे इस रेंट फ्री हाउस की निकलेगी उसी पे हम लोगों को क्या देना है, टैक्स देना है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन किसका करें, टैक्सेबल सैलरी का कर रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट आपको प्रोवाइड करी है टैक्सेबल परक्यूजिट्स की, इसमें सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ है रेंट फ्री हाउस, उसके बाद फिर मोटर कार, जिसकी हम देखें इन दोनों की बात हम लोग अलग अलग वीडियोज़ में करेंगे, जैसे रेंट फ्री हाउस हो गया, उसके बाद मोटर कार का एक अलग वीडियो आएगा, क्योंकि ये दोनों जो परक्यूजिट होते हैं इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होती है, मतलब कंडीशन काफ़ी सारी इसमें होती है, लेकिन वो सारी कंडीशन मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। इसके बाद देखिए ये 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th करके दिए हुए हैं, ये सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मतलब मोटर कार के बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। अब देखिए जब हम वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस की बात करते हैं तो वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस में हम लोग दो कैटेगरीज में बांट देते हैं एम्प्लॉयज़ को, एक होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और एक होते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। जब भी वैल्यूएशन आप करेंगे रेंट फ्री हाउस का तो उसमें आप दो कैटेगरी में बांट देंगे उसको एम्प्लॉयज़ को, एक होगा आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, दूसरा होगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर वो एम्प्लॉयज़ भी आएंगे जैसे जो कि मान लीजिए लोकल अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की, या फिर किसी स्टैचुटरी कॉरपोरेशन के अंडर काउंट कर रहे हैं, या फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं लेकिन उनको डेपुटेशन पे अगर भेजा गया तो भी वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तरीके से काउंट किए जाते हैं, ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाकी कंडीशन आपकी सारी की सारी वैसी ही रहेंगी। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इन दोनों कैटेगरी में आप इसको बांट करके पढ़ेंगे। अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी देखें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी में वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस के केस में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अनफर्निश्ड और फर्निश्ड हाउस का। देखिए यहाँ पर एक तो आप बांटते देखिए इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसके बाद आप क्या करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बाद आप एक और कैटेगरी बनाते हैं जो कि होती है अनफर्निश्ड हाउस और फर्निश्ड हाउस की। अनफर्निश्ड का मतलब है कि सिर्फ उसको खाली घर दे दिया गया, कोई भी फर्नीचर वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया। फर्निश का मतलब पूरी तरीके से वेल मेंटेन्ड घर है, वहाँ पर सारे के सारे फर्नीचर हैं, सब कुछ सोफा वोफा सब पड़ा है, बेड पड़ा है, पंखा लगा है, सब कुछ लगा हुआ है, तो उसको बोला जाता है फर्निश हाउस। तो डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं होता, फर्निश में बस उसकी कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अनफर्निश्ड हाउस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में अगर अनफर्निश्ड घर दिया गया है तो उसकी वैल्यू क्या होगी,
अमाउंट डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल्स, मतलब जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू डिटरमाइन होगी। तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो गवर्नमेंट बोलेगी उतना ही रेट आपको वहाँ पर वैल्यू को सेट कर देना। मतलब अगर गवर्नमेंट बोलती है 5,000 वैल्यू होगी तो आप 5,000 रखोगे, 6,000 बोलती है तो 6,000 रखोगे। बात करें अगर फर्निश्ड हाउस की, तो फर्निश्ड हाउस में कुछ नहीं करना, जो अमाउंट आपने अनफर्निश्ड का डिटरमाइन किया था, ठीक है, जो अमाउंट अनफर्निश्ड का था ये सब में एप्लीकेबल होगा, जो अमाउंट अनफर्निश्ड का था उसी में आपको ऐड क्या कर देना है, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और हायर चार्जेस। देखिए अगर जो एम्प्लॉयर है उसने खरीदा हुआ उसका खुद का वो फर्नीचर है पूरा, तो फिर तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए उसने किराए पे ले करके वहाँ पर सारे सोफ़ा और ये सब लगाया हुआ है, तो फिर जो हायर के चार्जेस लग रहे हैं, मतलब जो महीने या साल का वो पेमेंट कर रहा है, वो चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर फर्नीचर उसका खुद का है तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, अगर हायर करके दिया तो हायर चार्जेस। तो बस ये कर देना आपको और कुछ नहीं करना है। तो अनफर्निश्ड के केस में जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी उसी के हिसाब से उसकी वैल्यू हो जाएगी। फर्निश्ड के केस में एक तो देखिए ये वाला आ गया, यही वाली वैल्यू यहाँ पर उतर करके आ जाएगी, इसमें आपको ऐड क्या कर देना है, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। सपोज गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया 5,000 रुपये, गवर्नमेंट ने ये कहा कि 5,000 रुपये जो अगर रेंट फ्री हाउस दिया जाएगा तो उसकी वैल्यू होगी, तो ये 5,000 रुपये उसके गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से डिटरमाइन हो गया। इसके बाद 10,000 रुपये के फर्नीचर उसने दिए हुए थे, मतलब जो गवर्नमेंट है उसने 10,000 रुपये के फर्नीचर अपने एम्प्लॉय को दिए हुए थे। तो अब अगर फर्नीचर दिया हुआ है, फर्निश हाउस दिया हुआ, तो इसका मतलब 10,000 का 10% ये भी तो ऐड होगा, ठीक है, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1,000 रुपये ये ऐड करेंगे, अब ये हो गया आपका 6,000 रुपये। अब लेकिन मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने 1,500 रुपये अपने एम्प्लॉय से रिकवर किए इस रेंट फ्री हाउस के लिए, क्योंकि क्या होता है गवर्नमेंट जब भी, देखिए नॉर्मली भी आप देखते हैं गवर्नमेंट जब भी घर देती है तो उसमें कुछ पैसा हर महीने सैलरी से काट लेती है, 100 रुपये 500 रुपये बहुत मिनिमम अमाउंट होता है वो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अमाउंट कटता है। तो सपोज़ पूरे साल में उसका 1,500 रुपये कटा है, तो अब ये 1,500 रुपये कटा है तो वैल्यू उसकी 6,000 रुपये डिटरमाइन हो गई। अगर कुछ रिकवर ना किया होता तो ये पूरे 6,000 रुपये पे टैक्स देता, लेकिन क्योंकि 1,500 रुपये उससे रिकवर कर लिया गया है तो ये 1,500 रुपये उसके कट जाएंगे, तो यानी कि 6,000 माइनस 1,500 यानी कि अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, तो अब उसको टैक्स कितने पे देना पड़ेगा, 4,500 रुपये पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिटरमाइन होता है वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इसके बाद अगर अदर एम्प्लॉयज़ की बात करें, यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में, अगर वो लोकल अथॉरिटी या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑन डेपुटेशन अगर वो हैं, तो उस केस में आप दो कैटेगरी में इसको बांटेंगे। और देखिए एक होगा एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, ऐसा केस जहां पर एकोमोडेशन जो है, जो घर है वो खुद का एम्प्लॉयर का खुद का है, एक या फिर उसने लीज पर लेकर के दिया, मतलब रेंट पर लेकर के एम्प्लॉयर ने आपको दिया हुआ है, तो ये दो कैटेगरी हो गई। इस दो कैटेगरी के बाद में आप क्या करेंगे, इसको फर्निश्ड और अनफर्निश्ड के केस में बांट देंगे। तो एक तो अनफर्निश्ड कैटेगरी होगी और एक फर्निश्ड कैटेगरी होगी। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एकोमोडेशन जो है वो एम्प्लॉयर ओन कर रहा है। तो अगर एम्प्लॉयर ओन कर रहा है तो उसमें अनफर्निश्ड के केस में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो उसमें आपको देखिए हमेशा जब भी एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है और अनफर्निश्ड की बात हो रही है तो हमेशा आपको वहाँ पर पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी। देखें अगर पॉपुलेशन जो है जहाँ पर, मतलब जिस जगह पर घर दिया उसने, जहाँ पर घर दिया है रहने के लिए एम्प्लॉय को, अगर उस जगह की पॉपुलेशन, उस एरिया की पॉपुलेशन अगर 25 लाख को एक्सीड करती है, ठीक है, 25 लाख को एक्सीड करती है, तो 15% ऑफ सैलरी और सैलरी यहाँ पर अंडरलाइन है, क्योंकि सैलरी की डेफिनेशन अलग अलग होती है, जैसे एचआरए में अलग थी, ठीक है, उसमें बाकी के अलाउंसेस में अलग थी, तो यहाँ पर सैलरी की डेफिनेशन अलग है, तो वो अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो 15% ऑफ सैलरी हो गया। इसके बाद मान लीजिए पॉपुलेशन अगर 10 लाख से लेकर के 25 लाख के बीच में, तो फिर 10% ऑफ सैलरी, और यहीं पर अगर 10 लाख से नीचे गिर जाती है पॉपुलेशन तो फिर 7.5% ऑफ सैलरी। तो बड़ा सिंपल है, देखिए याद करना, अगर पॉपुलेशन देखिए 10 लाख से कम है तो इसका मतलब एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, छोटा एरिया है, तो वहाँ पर कम अमाउंट लिया गया है। अगर 10 लाख से 25 लाख है तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 7.5 से इसको थोड़ा सा बढ़ा के 10%, और 25 लाख से ज़्यादा है इसका मतलब कि हो सकता है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, तो इसीलिए वहाँ पर 15% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। तो ये आपका हो गया अनफर्निश्ड का केस। इसके बाद अगर बात करें देखिए फर्निश्ड की, तो फर्निश्ड के केस में कुछ नहीं होता, हमेशा आपको क्या करना है, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड कर देना, मतलब जो वैल्यू आपने यहाँ पर डिटरमाइन करी उसी वैल्यू में आपको क्या करना है, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर को ऐड कर देना। तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, जो वैल्यू आपने अनफर्निश्ड हाउस की निकाली इन पॉपुलेशन का यूज़ करके, उसमें आपको क्या करना है, 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड करनी है, और उसके अगर फर्नीचर उसकी ओन खुद की एम्प्लॉयर की नहीं तो फिर हायर चार्जेस, ये ऐड आपको करना है।
और साथ में आपको हमेशा लेस कर देना है अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो जब भी अमाउंट रिकवर होगा एम्प्लॉय से वो आपको हमेशा यहाँ पर लेस कर देना। अभी हम लोग एक क्वेश्चन भी देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर बात करें एकोमोडेशन टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर, अगर एकोमोडेशन जो है वो एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, उसने रेंट पे लेकर के दिया है, तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अनफर्निश्ड और फर्निश्ड के केस में बांटेंगे। अनफर्निश्ड के केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर फिक्स अमाउंट है, कोई भी पॉपुलेशन का नाटक नहीं है, 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस, क्योंकि देखिए रेंट पे लेकर के दे रहा है तो इसका मतलब रेंट उसको पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस, जो भी इन दोनों में से कम होगा वही आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगा। फर्निश्ड की बात करें तो फर्निश्ड के केस में क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस एड 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और हायर चार्जेस लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो सिंपल था एकदम। देखिए अदर एम्प्लॉयज के केस में सबसे पहले हमने बांटा ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। ओन्ड के केस में अनफर्निश्ड का देखेंगे और फर्निश्ड का देखेंगे। अनफर्निश्ड वाले केस में जब भी ओन्ड देखे, ओन्ड की बात आएगी, अगर एम्प्लॉयर खुद ओन कर रहा है तो फिर वहां पर आपको पॉपुलेशन देखनी, पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो 15%, 25 से 10 लाख के बीच में है तो 10%, और अगर 10 लाख से कम होती है तो 7.5%। और अगर फर्निश्ड की बात करें तो फर्निश्ड के केस में कुछ नहीं करना, जो अनफर्निश्ड के उसकी वैल्यू थी, अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू थी, उसी में आपको ऐड कर देना है 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और लेस कर देना है अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। इस केस में भी देखिए अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय आपका लेस होगा, हर बार आपका जितना भी अमाउंट रिकवर हो रहा है एम्प्लॉय से वो हमेशा हमेशा आपका लेस होगा। अगर टेकन ऑन लीज की बात करें तो टेकन ऑन लीज में अनफर्निश्ड के केस में कोई भी पॉपुलेशन वाला नाटक नहीं होता, 15% ऑफ सैलरी यहाँ पर फिक्स है या फिर हायर चार्जेस जो भी इनमें से लीस्ट होगा। उसके बाद फर्निश्ड के केस में क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आपने अनफर्निश्ड की निकाली इसी में आप ऐड कर दीजिए 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और हायर चार्जेस और लेस कर दीजिए अमाउंट रिकवर फ्रॉम द एम्प्लॉय, बात खत्म। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में, देखिए इसको नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं बोला जाता, इसको अदर एम्प्लॉयज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी आ रहे हैं जिनको मानते नहीं हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसीलिए यहाँ पर अदर एम्प्लॉयज लिखा गया है। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और अदर एम्प्लॉयज के केस में किस तरीके से वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हम लोग डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद कुछ और केसेस होते हैं। देखिए अगर घर ना दे करके, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने घर ना दे करके एकोमोडेशन उसको प्रोवाइड करी होटल में, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर यहाँ पर गवर्नमेंट भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट या फिर अदर एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, टू द एम्प्लॉय इन अ होटल इट्स वैल्यू शैल बी एज अंडर, ठीक है, उसको होटल में रुकवाया है एम्प्लॉयर ने तो उस केस में वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देखें, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड ऑन द ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड द पीरियड इन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 15 डेज, तो वैल्यू क्या होगी इसकी, नहीं होगी, मतलब कोई भी टैक्स उसको वहाँ पर नहीं देना है। देखिए अगर मान लीजिए इस प्लेस से उठा करके एम्प्लॉयर ने उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया उसका, तो अब जब ट्रांसफ़र किया है तो वहाँ पर दूसरी जो जगह है उस जगह पर जाकर के उसको घर ढूंढना पड़ेगा। अगर घर ढूंढेगा वो तो उसको कुछ टाइम चाहिए, ऐसा तो नहीं कि जाते ही उसको घर मिल जाएगा। तो हो सकता है एम्प्लॉयर ने क्या किया, उसको होटल में कुछ दिन के लिए रुका दिया हो और कहा हो कि तुम एक हफ्ता या 10 दिन या महीना भर जितना भी टाइम है उसमें तुम एक घर देख लो, उसके बाद उसमें शिफ्ट कर जाना। तो जब होटल में प्रोवाइड करता है ट्रांसफ़र के टाइम पे, तो अगर 15 दिन से कम वो होटल में स्टे कर रहा है, ठीक है, 15 दिन से कम अगर स्टे कर रहा है तो वहाँ पर वैल्यू नील हो जाएगी, मतलब पूरा का पूरी वैल्यू एग्जेम्प्ट हो जाएगी, किसी भी अमाउंट को उसको टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर 15 दिन से एक्सीड कर जाती है वैल्यू, मतलब 15 दिन से ज़्यादा अगर वो होटल के अंदर स्टे करता है, तो उस केस में क्या होगा, 24% ऑफ सैलरी, ठीक है, 24% ऑफ सैलरी, और सैलरी की डेफिनेशन वही है जो अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सैलरी में आपको ये ध्यान रखना है कि जितने पीरियड वो स्टे करेगा उतने ही पीरियड की सैलरी को आपको काउंट करना है, फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच एकोमोडेशन वॉज प्रोवाइडेड, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए 100 दिन वो रहा है होटल के अंदर तो 100 दिन की सैलरी आप लेंगे, एनुअल सैलरी आप उसमें काउंट नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का आपको बस ध्यान रखना है, या तो 24% ऑफ सैलरी होगी या फिर एक्चुअल चार्जेस पेड टू द होटल, ठीक है, पर डे का जो चार्जेस लगते हैं वो होंगे, या तो फिर 24% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल अगर है तो उस केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगा। इसके बाद एक और केस आता है, एकोमोडेशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर अभी हम लोगों ने देखा ना कि ट्रांसफर किया एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर किया, तो अब इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए होटल में रुकवाया था, होटल में रुकवाने के बाद उसने एम्प्लॉयर ने खुद ही उसको इंतजाम करके दे दिया घर का, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एट अ न्यू प्लेस, ठीक है, जो नया जगह पे उसके ट्रांसफर हुआ है वहाँ पर उसको मिला है, ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर इट्स वैल्यू शैल बी एज अंडर। तो दो केस इसमें भी आएंगे, पहली आप केस देखिए, पहला केस में क्या बोले, इफ़ द एम्प्लॉय रिटेन्स द हाउस एट द अर्लियर प्लेस ऑल्सो, मतलब एक घर तो देखिए इसका यहाँ पर था,
ये एक घर यहाँ पर था, दूसरा घर इसको यहाँ पर मिला नई जगह पे, ये उसकी नई जगह है, ये ओल्ड हो गई और ये न्यू हो गई। तो अगर मान लीजिए उसको ट्रांसफ़र किया गया और न्यू जगह पे उसको एक घर दिया गया है, अब अगर वो दोनों घर को रिटेन कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिया ना, इफ़ द एम्प्लॉय रिटेन्स द हाउस एट द अर्लियर प्लेस ऑल्सो, मतलब यहाँ पर भी रिटेन कर रहा है और साथ में नई जगह पे जो है वहाँ पर भी रिटेन कर रहा है, तो उस केस में वैल्यू किसकी ली जाएगी? तो देखिए यहाँ पर होगा वैल्यू ऑफ द हाउस विच हैज़ अ लोअर वैल्यू। तो इन दोनों में से मान लीजिए इस घर की वैल्यू, ये जो पुराना घर था, इसकी वैल्यू अगर लीस्ट आती, मतलब कम आती इससे, तो इसकी वैल्यू लेंगे। मान लीजिए अगर इसकी जगह पर जो नया जगह पर घर मिला है उसकी वैल्यू अगर कम निकलती, आप दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए आप इसकी वैल्यू भी निकालेंगे और नए वाले की भी वैल्यू निकालेंगे, जिसकी वैल्यू भी कम होगी उसी पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए नए घर की वैल्यू कम होती है तो यहाँ पर इस पर टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, सेकेंड केस देखिए, इफ़ ही रिटेन्स बोथ द हाउसेज फॉर मोर देन 90 डेज वैल्यू ऑफ बोथ द हाउसेज शैल बी टेकन टुगेदर। मतलब ये वाला जो घर था पुराना वाला, ये भी रिटेन कर रहा है वो ओल्ड वाला, और ये वाला भी, तो इन दोनों में से जिसकी लीज थी वो ले ली। लेकिन अगर वो 90 डेज़ को एक्सीड कर जाता है, तो 90 डेज़ को एक्सीड करते ही इन दोनों की वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी, मतलब अब इन दोनों पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर 90 डेज से कम है तो फिर दोनों हाउस में से जिसकी भी कम है उस पे देगा, अगर दोनों हाउस 90 डेज से ज़्यादा और रखता है, मतलब पुराना वाला घर भी 90 डेज से ज़्यादा रिटेन कर रहा है, तो उस केस में दोनों जो घर है उन दोनों की वैल्यू पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये होता है अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। तो जितने भी केसेस थे वो हम लोगों ने पढ़ ली। एक अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट, मान लीजिए कि जो इंजीनियर है कोई, ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, जहाँ पर भी साइट होती है, जैसे मान लीजिए कहीं ब्रिज बन रहा है, ठीक है, कहीं पे बिल्डिंग बन रही है, तो इनको वहीं पर एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। तो जब भी एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट होगी, ठीक है, तो उस केस में वैल्यू क्या होती है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे टैक्स फ्री परक्यूजिट डिस्कस जब किए थे, तो टैक्स फ्री परक्यूजिट के केस में ये चीज़ आई थी, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट। तो एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट जब होती है तो वो होती है टैक्स फ्री। अब उसमें कुछ कंडीशन होती है, वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये ध्यान रखिए कि एकोमोडेशन अगर साइट पे प्रोवाइड होगी तो उस साइट पे जो एकोमोडेशन प्रोवाइड की है उसकी वैल्यू टैक्स फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जितने भी एकोमोडेशन के केसेस थे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए। इसके बाद लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं, सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ रेंट फ्री हाउस, ठीक है। रेंट फ्री हाउस इसको कई बार बोला जाता है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन बोला जाता है, तो आप कुछ भी बोलिए बात सेम है। तो क्या सैलरी होगी? जैसे एचआरए में हमने लिया था ना, एचआरए जब हमने कैलकुलेट किया करना सीखा था, तो एचआरए में हम लोग क्या लेते थे, बेसिक सैलरी प्लस डीए अगर पार्ट ऑफ सैलरी है, ठीक है, डीपी ऑलवेज आता था, उसके बाद कमीशन अगर परसेंटेज ऑफ सैलरी दिया हो, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर दिया तो, और बस यही आपका सैलरी हो जाता था फॉर द पर्पज ऑफ एचआरए। रेंट फ्री हाउस के केस में देखिए क्या होगा, बेसिक सैलरी, ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक सैलरी आएगी। यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि एक्सक्लूडिंग एडवांस एंड एरियर्स रिसीव्ड, जब हम लोगों ने सैलरी की मीनिंग पढ़ी थी, फर्स्ट वीडियो जो सैलरी का था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि टैक्सेबल सैलरी आपकी क्या होती है, जो कि एडवांस, अगर मान लीजिए आपने सैलरी का रिसीव कर लिया, ठीक है, किसी महीने का आपने एडवांस रिसीव कर लिया है अगर सैलरी, तो वो भी आपका टैक्सेबल सैलरी में काउंट होगा। इसके साथ में अगर आपने किसी पिछले महीने का अगर एरियर रिसीव किया है तो वो भी आपका टैक्सेबल होगा। तो हम उसको पूरे को उसमें टैक्सेबल सैलरी में ऐड करते हैं। लेकिन जब आप रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपको जो बेसिक सैलरी लेनी है उसमें आपको एडवांस को नहीं लेना, और साथ में एरियर अगर आपने कोई रिसीव किया तो उसको आपको हटा देना उसमें से। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में देखिए, ऐड डियरनेस अलाउंस इफ़ पार्ट ऑफ सैलरी, अगर पार्ट ऑफ सैलरी है, ठीक है, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, डियरनेस अलाउंस अगर खाली लिखा हुआ है तो उसको भूल जाइए, ये पार्ट ऑफ सैलरी नहीं होता है। अगर वो पार्ट ऑफ सैलरी होगा तो वहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा डेट डियरनेस अलाउंस इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी, या फिर इट इज़ गिवन एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये स्टेटमेंट आपको दिया जाता है तब वो मान जाता है कि पार्ट ऑफ सैलरी है। तो डियरनेस अलाउंस ऐड होगा, और डियरनेस पे अगर दिया तो डियरनेस पे तो देखिए बेसिक सैलरी का पार्ट होता है, तो वो तो हमेशा ऐड होगा। इसके साथ में ऑल टैक्सेबल अलाउंस, जितने भी मैंने आपको टैक्सेबल अलाउंसेज बताए थे, वो सारे के सारे यहाँ पर ऐड होंगे। साथ में बोनस ऐड होगा, कमीशन ऐड होगा, और कोई भी पेमेंट अगर कैश में दी गई है तो वो भी आपकी ऐड हो जाएगी। तो ये होती है हमारी रेंट फ्री हाउस के लिए सैलरी की मीनिंग। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स गेट्स अ सैलरी, ठीक है, एक्स गेट्स रुपीज़ 340,000 एज बेसिक पे, तो 340,000 रुपये उसको बेसिक पे मिला है, रुपीज़ 24,000 एज कमीशन। अब देखिए जब एचआरए की हम बात करते हैं तो एचआरए में कमीशन परसेंटेज के फॉर्म में हो तभी हम लोग उसको वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ, यहाँ पर कमीशन आपकी कैसे भी दियो वो कमीशन ऐड होगी होगी। इसके बाद दिया है बोनस 10,000 रुपीज़ और 6,000 एज यूनिफॉर्म अलाउंस, 60% यूटिलाइज फॉर द
यूनिफॉर्म। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 22,800 अ रेंट फ्री फर्निश्ड फ्लैट इन अ इज प्रोवाइडेड इन अ प्लेस वेयर पॉपुलेशन इज। अब देखिए अलग अलग केसेस दे रखे हैं, अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से लेकर के 25 लाख के बीच में, और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। अब देखिए यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले चाहे आप बेचारे कैलकुलेट करिए, चाहे आप रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन करिए, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सैलरी की वैल्यू को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सैलरी निकालेंगे। तो सैलरी में सबसे पहले आपकी क्या ऐड होगी, बेसिक सैलरी, जो भी हम लोगों ने देखी ये थी ना बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी आप ऐड करिए सबसे पहले। तो बेसिक सैलरी कितनी, 3,40,000, तो हो जाएगा 3,40,000। उसके बाद देखिए 24,000 कमीशन, तो ये भी ऐड होगी, तो कमीशन कितनी हो जाएगी 24,000। इसके बाद बोनस, क्योंकि बोनस भी ऐड होता तो बोनस 10,000, यहाँ पर बोनस आप लिखेंगे, बोनस 10,000, ये भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद देखिए यूनिफॉर्म अलाउंस, अगर आपको याद हो अलाउंसेज वाला वीडियो अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर टैक्सेबल अलाउंस के अंदर ये यूनिफॉर्म अलाउंस आता था, ठीक है। यूनिफॉर्म, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये सब अलाउंसेज मैंने आपसे वहाँ पर डिस्कस किए थे, और मैंने आपसे वहाँ पर ये कहा था कि जितना ये अलाउंस मिलता है, ठीक है, अलाउंस जितना ये आपने रिसीव किया माइनस जितना आपका खर्चा हुआ, ठीक है, यहाँ पर जितना आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है वो जब आप लेस कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि टैक्सेबल पार्ट इसका कितना होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि 6,000 रुपये का अलाउंस मिला था यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम से, और इसमें से 60% ही हमने यूनिफॉर्म पे खर्चा किया, मतलब धुलाई में, उसी प्रेस करवाई में, तो हमने 60% ही इसका यूज़ किया। तो मतलब 6,000 का 60% कितना हो गया 3,600, तो 3,600 ही इस पर खर्चा हुआ है, यानी कि 6,000 में से अगर 3,600 खर्चा हुआ है तो बचा कितना 2,400। और इस केस में हमेशा जो बैलेंस अमाउंट होता है ये आपका क्या होता है, टैक्सेबल हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर खर्चा आपका 7,000 रुपये होता तो फिर कुछ ना टैक्सेबल होता, तब आप नील कर देते, लेकिन क्योंकि खर्चा कम हुआ है और आपको मिला ज़्यादा है तो जितना बचा हुआ उस पर टैक्स दोगे। तो यानी कि 2,400 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म अलाउंस के नाम से यहाँ पर ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 2,400। इसके बाद देखें, इसके बाद लिखा हो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 22,800। अब अगर आपको फिर से अलाउंसेज वाला वीडियो याद हो तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, अगर एम्प्लॉई डेम डम है, डेफ है, ऑर्थोपीडिकली हैंडीकैप्ड है, तो उस केस में उसका एग्जेम्पशन उसको मिल जाती है, 3,200 के करीब थी वहाँ पे, तो वो उसको मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जेम्पशन को हटा दिया गया, पूरा का पूरा अलाउंस जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 22,800 आपका पूरा ऐड होगा, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 22,800, पूरा का पूरा ये टैक्सेबल होगा। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, तो 3,40,000 और प्लस 24,000 प्लस 10,000, 2,400 और 22,800, तो ये आपका निकल कर गया 3,99,200, ठीक है, 3,99,200। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप एक एक करके सबकी टैक्सेबल सैलरी निकालिए, मतलब टैक्सेबल वैल्यू निकालिए, परक्यूजिट की वैल्यू निकालिए। तो पहले केस की अगर हम बात करें, देखें फर्स्ट केस की, तो जब 25 लाख से कम की पॉपुलेशन होती है, ठीक है, 25 लाख से कम की पॉपुलेशन अगर होती है तो उस केस में क्या होता है, 15% सैलरी का, 15% सैलरी का, तो 15% सैलरी का कितना हो जाएगा 3,99,000। तो 3,99,200 का 15%, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3,99,200। इसकी वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल करके आएगा 5,98,80, ठीक है, 59,880। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखिए रेंट वो जो फ्लैट था वो अनफर्निश्ड था, ठीक है, अनफर्निश्ड के केस में कोई भी 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड होती नहीं है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। साथ में यहाँ पर रिकवरी की भी कोई बात नहीं कही गई है कि आपसे जो एम्प्लॉई है उसे कितना रिकवरी की गई है, तो यहाँ पर बस यही जो है ये हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, यानी कि इसी पर हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद बी की बात अगर करते हैं तो बी में क्या है, 10 लाख से 25 लाख के बीच में, तो यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर 10% ऑफ सैलरी होता, तो 10% ऑफ 3,99,200, तो ये कितना निकल के आएगा 39,920, मतलब 39,920 ये निकल करके आ जाएगा। इसके बाद सी पार्ट की अगर बात करें तो सी पार्ट में देखिए नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, तो 10 लाख से जब कम की पॉपुलेशन होती है तो उस केस में 7.5% होता है, ठीक है, 7.5% ऑफ 3,99,200, तो इसमें देखिए क्या होगा, 7.5% जब आप निकालेंगे इसका तो ये होगा 29,940, ठीक है, 29,940, तो ये आपका निकल कर क्या जाएगा। तो ये देखिए ये हम लोगों ने जो निकाला है, हमने सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट करी सैलरी, सैलरी के बाद हम ये देखेंगे कि पॉपुलेशन किस एरिया की, मतलब कितनी है, अगर 25 लाख है, 10 लाख है, क्या है वो देखेंगे,
और साथ में आप ये देखें कि घर फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड है। यहाँ पर अनफर्निश्ड था तो हमने कोई भी 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड नहीं करी। अगर मान लीजिए यहाँ पर दे देता कि 50,000 की फर्नीचर वहाँ पर प्रोवाइड की गई है, तो इसी में जैसे 59,818 निकला आपका, तो इसी में आप ऐड कर देंगे 10% ऑफ 50,000। तो 10% ऑफ 50,000 का मतलब है कि 5,000 रुपये। तो ये आपका 5,000 रुपये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, 5,000 रुपये यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। तो ये आपका निकल करके आएगा। इसके बाद मान लीजिए दे देता है कि 1,000 रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, 1,000 रुपये उसे रिकवर किए गए, तो आप यहाँ पर माइनस 1,000 भी कर देंगे साथ में, ठीक है, 5,000 प्लस और 1,000 माइनस, तब आपको टोटल वैल्यू जो है वो निकलेगी, वो आपकी टैक्सेबल होगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अनफर्निश्ड था तो कोई भी आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी, ना ही यहाँ पर रिकवरी थी, तो आपकी जो वैल्यू आपने निकाली यही आपकी पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, मिस्टर मनोज इज अपॉइंटेड एट मुंबई, ठीक है, ही स्टेड इन अ होटल फॉर 50 डेज, ही स्टेड इन अ होटल फॉर 50 डेज, देयर आफ्टर शिफ्टेड इन अ हाउस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट स्टे इन होटल, ठीक है, स्टे इन होटल की हम लोगों को वैल्यू बोलने निकालने को बोल रहे हैं। अब देखें अगर 15 डेज से कम होती है, लेस देन 15 डेज है, तो वहाँ पर वैल्यू क्या होती है, नील होती है। लेकिन यहाँ पर 15 डेज से ज़्यादा रुक रहा है क्योंकि यहाँ पर 50 दिन रुक रहा है, तो 15 दिन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपको मैंने बताया था 24% ऑफ सैलरी, ठीक है, 24% ऑफ सैलरी, और ये सैलरी कब की होगी, उस ड्यूरेशन की, जितने टाइम वो रुका है, ठीक है, उस ड्यूरेशन की सैलरी होगी। उसके बाद देखिए, और एक तो ये होता है 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस पेड टू होटल, ठीक है, जितने हैं उसके एक्चुअल चार्जेस उसने पे किए हैं एम्प्लॉय ने, मतलब एम्प्लॉयर ने जितने भी चार्जेस पे किए हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, एक तो 24% ऑफ सैलरी या फिर एक्चुअल चार्जेस पेड टू होटल बाय द एम्प्लॉयर। तो अब इसमें देख लेते क्या है, देखें रूम रेंट इन अ होटल इज 2,000 रुपीज़ पर डे, सैलरी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 7,30,000 एंड द एम्प्लॉयर रिकवर्ड 200 रुपीज़ पर डे फ्रॉम मिस्टर मनोज। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बोल रहे हैं सैलरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो इन्होंने डायरेक्टली आपको सैलरी निकाल करके दे दी, तो इन्होंने बोला कि सैलरी है आपकी 7,30,000, इसका 24% हम लोग करेंगे। लेकिन अभी रुक जाइए, 7,30,000 पूरे साल की है, मैंने आपसे क्या कहा सैलरी उसी ड्यूरेशन की होगी जिस ड्यूरेशन में वो रुका था होटल में, तो यानी कि ये जो आपकी है, जैसे सैलरी टोटल कितनी होती है साल की, अगर सैलरी आप ले रहे हो तो साल में कितने दिन है, 365 डेज, तो 365 डेज की जो सैलरी है वो है 7,30,000। यहीं पर अगर 50 दिन की बोली जाए, 50 दिन की सैलरी इसकी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 7,30,000 डिवाइडेड बाई 365 और मल्टीप्लाइड बाई 50, ठीक है, 365 को नीचे भेज दिया, 50 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब इसको आप करेंगे तो देखिए इसको कैंसिल करिए, तो ये हो जाएगा 5,735,5,315, तो 73 इसको काटेंगे तो 73,110,000, तो ये आपकी निकलेगी 1,00,000 रुपीज़। तो यहाँ पर जब आप इसको कैंसिल करके निकलेंगे तो 50 दिन की जो सैलरी है, ठीक है, 50 दिन की सैलरी निकल करके आएगी 1,00,000 रुपये, 50 दिन की सैलरी ये निकल करके आ गई। तो अब हम लोग 24% जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 24% ऑफ 1,00,000 लेंगे, ठीक है, 24% ऑफ 1,00,000, और एक्चुअल चार्जेस पेड टू होटल कितना चार्ज पे किया होगा उसने, रूम रेंट 2,000 रुपये पर डे था, कितने दिन रुका है वो, 50 दिन, तो यानी कि 2,000 × 50, तो 2,050 अगर इसको करेंगे 2,000 × 50, तो ये निकलेगा 1,00,000 रुपीज़, तो ये 24% ऑफ 1,00,000 यानी कि 24,000 और 1,00,000 रुपीज़, इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा, ठीक है, इन दोनों में से जो भी लीस्ट होता है, हम लोगों ने देखा था ना, ये देखिए विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा वही हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, तो इन दोनों में से लीस्ट कौन सा है, 24,000, तो ये हो जाएगा 24,000 हमारा वैल्यू ऑफ होटल। लेकिन यहाँ पर देखिए रिकवरी भी है, रिकवरी कितनी है, 200 रुपये पर डे के हिसाब से, तो 200 रुपीज़ पर डे अगर है तो 50 दिन का कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये, ठीक है, 200 × 50 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज़, तो 24,000 उसकी वैल्यू निकली थी, 10,000 रिकवर कर ली, यानी कि टैक्स कितने पे देना पड़ेगा, 14,000, तो उसकी जो वैल्यू निकली होटल की वो कितनी हो गई, 14,000 रुपीज़। तो ये पूरा हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस कंप्लीट कर लिया। कोई भी तरीके का आपको डाउट होता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।